ये देख लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे गेंदबाजी। चार मिलेंगे, पहला चौका इस पारी का आता हुआ कार्तिक के नाम। अभी आपने जो जिक्र किया था रवन भाई, जो फील्डर उन्होंने शिफ्ट किया, अगर वो शिफ्ट नहीं करते तो शायद सीधी उनके हाथ में गेंद जाती। ओ गैप में है और यहाँ पे रन्स मिलेंगे। आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा हो जाता है लेकिन यहाँ पे चार मिल जाएंगे। देवू के ऊपर प्रेशर, अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, लेकिन उसे दिशा दिखाकर समझदारी के साथ स्मार्ट शॉट यहाँ पर कृष्णा की ओर से। चार रन और छह ओवर समाप्त, 57/3 का नाटका। चार रन अपने लिए एकत्रित किया, यहां पुल किया करण ने और बिल्कुल गैप में ये चार रन्स और बंगाल टाइगर्स की मुश्किलें बढ़ रही है। अब 70 रन्स की लीड, कोई समय लेने वाली बात नहीं है उनके लिए। आते ही आतिशबाजियों की शुरुआत कर देते हैं। यहां ड्राइव किया है और गैप में किया है, चार रन और महंगा ओवर साबित होता हुआ। 12 रन आ चुके हैं अभी तक। एक बार फिर से खेल दिया है और एक बार और चार रन मिलेंगे। कृष्णा 10 बॉल 26 रन, 73 रन पर पहुंच चुका है स्कोर, 81 पर पहुंच चुकी है लीड बंगाल टाइगर्स के सामने। अब कृष्णा और करण बहुत ही ज्यादा मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। कृष्णा के द्वारा फुल टॉस बना के गेंद को खेल दिया है वहां पर कवर्स के ऊपर से, 6 रन 4 रन के लिए, बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। और इसके साथ ही करण जो है 48 पे जा पहुंचे। खेल दिया है लेग साइड पर, बाउंड्री मिलेगी कृष्णा की, रनों की तृष्णा लगातार बढ़ती जा रही है। एक और हाफ सेंचुरी, 53 रन पर खेल रहे हैं और ये सेलिब्रेशन। उदय की आखिरी बॉल, इनिंग की आखिरी बॉल, किनारा लगा, 4 रन आएंगे यहां पर, चाहे जिस भी तरीके से आए कर्नाटका उसे करेंगे मंजूर। 130 रन का ये बहुत बड़ा स्कोर किया है खड़ा और लीड हो जाएगी अब 138 रन की।